हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ, बल्कि रेसिपी से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आई हूँ जो सबके लिए, जो बिगिनर होते हैं बेकिंग के फील्ड में, या फिर जिनको शौक़ होता है घर में ही कुछ बेक करने का, और जब हम कुछ बनाने के लिए रखते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम क्या मेजरमेंट लें। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर है कि मेजरमेंट हमें क्या लेना चाहिए। मार्केट में दो टाइप के कप आते हैं, एक आप इस तरीके से देख रहे हैं ब्लैक कप और ये रेड कप। रेड कप में भी डिफरेंट कलर्स आते हैं, पर इसका जो ml होता है ये होता है 240 ml का एक कप। तो चलिए मैं पहले आपको एक कप से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये होता है किचन स्केल। कई बार हमें मेजरमेंट के लिए सिर्फ कप ही नहीं, ग्राम का भी यूज़ लेना पड़ता है, तो उसके लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ये बहुत ही सस्ता मिलता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये ब्लैक वाले कप समझाती हूँ। इस ब्लैक कप में हमें मिलता है 1 कप, 2/3 कप, 1/2 कप और ये 1/4 कप। कप के ऊपर मेजरमेंट लिखा हुआ है, और सिर्फ एक कप जो होता है सबसे बड़ा वाला उस पर लिखा होता है कि 1 कप कितने ml का है। तो ये है 240 ml का कप। तो जो ऑनलाइन कोर्स करते हैं या फिर वो ऑफलाइन भी कोर्स करते हैं, तो जो भी नए सिखाने वाले होते हैं बेकरी वाले, सबके कप अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। कुछ इस मेजरमेंट से सिखाते हैं और कुछ 200 ml के मेजरमेंट से सिखाते हैं। तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या हमें दोनों कप खरीदने पड़ेंगे अलग अलग, या एक कप से काम चल जाएगा। तो आज मैं उसी को आपको दिखाऊँगी क्लियर करके। और ये देखिए, इसमें रेड वाले में होता है हमारा जो 1 कप होता है, ये होता है 200 ml का। जब आप ख़रीदेंगे इसको अमेज़ॉन में, ये लगभग मिल जाता है अमेज़ॉन या शॉपक्लूज़ पे रीजनेबल रेट पे। तो जब आप इसको ख़रीदेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि वो कप कितने ml का है। तो ये है 1 कप, 1/2 कप, 1/3 कप और 1/4 कप। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 240 ml का है और ये वाला कप 200 का है, तो अगर हम इससे मेजरमेंट लेंगे और सीखा हमने इस कप से है, तो क्या हमारी रेसिपी बिगड़ जाएगी? तो दूसरों का तो पता नहीं, पर मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने भी यही सोच के 2 कप लिए थे, क्योंकि मैंने कुछ सीखा है इस कप से और कुछ सीखा है 200 ml के कप से। तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, इसी से कर लूं, ऐसा ना हो बाद में कि अरे मेरा जो आइटम है वो बिगड़ जाए। तो फिर वह कि छोड़ो, इतना क्या झंझट लगना, चलो दोनों कप खरीद लेते हैं। पर हर घर में पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर तरीके के कप ले पाएँ। और इन कप्स के साथ ही मिलता है हमें यहाँ पर स्पून्स। तो जब आप यहाँ पर कप्स ख़रीदेंगे तो उसी कप के साथ में कई बार हमें मिलता है, अगर आप अलग से भी लेना चाहें तो अलग से भी मिलता है। तो यहाँ स्पून के लिए बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है, स्पून चाहे वो 200 ml के कप के साथ हो या फिर 240 ml के कप के साथ, स्पून का मेजरमेंट सेम होता है। इसलिए अगर आप अलग से भी ख़रीदना चाहें तो इसको ख़रीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पेयर में, अगर आपने इसके साथ स्पून ये ख़रीद चुके हैं और अगर आपको 200 ml का कप लेना है तो आप सोचेंगे कि अरे मुझे अब इसके साथ स्पून भी लेना पड़ेगा। कई बार स्पून के साथ रेट बढ़ जाता है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आप स्पून कोई भी ले सकते हैं, ये वाला भी या फिर ये वाला भी। तो स्पून में हमें मिलता है 1 tbsp, ये सबसे बड़ा स्पून होता है, 1 tablespoon। तो ये जो पूरा अंदर का सर्कल और ये बाहर का, जब ये पूरा फुल भरते हैं तो ये हो जाता है 1 tablespoon। और इसी का ये जो छोटा सर्कल दिया है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, ये छोटा वाला सर्कल, इसको हम जब यहाँ तक भरेंगे तो ये होता है हमारा 1 tsp, 1 teaspoon। उसके साथ ही हमें यहाँ पे मिलता है 1/2 teaspoon, मेरे को ये 2 मिले हैं 1/2 teaspoon के। और इस 1/2 teaspoon का, इसमें भी हाफ दिया हुआ है कि अगर हाफ का हाफ करेंगे तो ये 1/4 ये, और अगर आप अलग से मेजर करना चाहते हैं तो ये भी मिलता है 1/4 tsp। और 1/4 tsp का हाफ आप देख सकते हैं 1/8 tsp। तो यहाँ पे एक ही स्पून में 2 तरीके का मेजरमेंट दिया हुआ है। और सेम ऐसा ही रेड कलर का जो ये हमारा टेबल स्पून और टीस्पून है, तो सबसे बड़ा होता है 1 tablespoon, उसका हाफ यहाँ पे दिया है 1/2 tablespoon।
फिर 1 TSP का अलग है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून का हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे हाफ टी स्पून, 1/4 TSP, और 1/4 का हाफ 1/8 TSP। तो ये मेजरमेंट अगर आपको स्पून का समझ आ गया हो तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जो मेन चीज़ होती है कि 200 ml का कप और 240 ml का कप, क्या इन दोनों का मेजरमेंट सेम है या फिर अलग आता है। तो यहाँ पे मैं ये बाकी आइटम हटाती हूँ, उसके बाद जो इनके बाकी पार्ट्स हैं उनको मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि हमारा ये 240 ml और 200 ml, क्या इसका मेजरमेंट सेम होता है या फिर अलग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये किचन स्केल। जब भी आप मेजर करें हमेशा इसको बंद करके उसके बाद आप कोई भी बर्तन रखें और फिर हम इसको करेंगे ऑन। तो ऐसे में क्या होता है कि बर्तन का मेजरमेंट नहीं आता है, सिर्फ सामान जो हम इसमें डालेंगे इंग्रेडिएंट सिर्फ उसका मेजरमेंट आता है। और मेजरमेंट करने का तरीका भी यही है, कभी भी आप इसमें पहले इंग्रेडिएंट डाल दें और उसके बाद फिर आप इस पर डालेंगे तो आपका जो मेजरमेंट है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट के साथ साथ आपका कप का वेट भी आ जाएगा। और जब कोई रेसिपी बताता है तो वो आपको इस कप का वेट के साथ नहीं बताता है, वो आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट का बताता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें मैदा, हमेशा इसको लेवल में ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एक कप है वो 120 ग्राम मैदा लेता है। तो इस 240 ml में हमारा आता है मैदा 120 ग्राम। ये चीज़ आप हमेशा लेवल में लें, कभी भी ऊपर नीचे करके ना लें। अब दूसरा मैं यहाँ पे दिखाती हूँ ये 200 ml का कप, इसमें हमारा कितना मैदा आता है। कोशिश करें कि हमेशा इंग्रेडिएंट लेवल में ही लें। मैं इसीलिए इसको पॉलीथीन से ही मिक्स कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा लेवल में हो जाए। तो ये देखिए 200 ml के कप में हमारा आता है 110 ग्राम मैदा। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं है। अगर आप ये वाला कप ले रहे हैं तो आपको अगर 120 ग्राम चाहिए तो आप इसमें एक चम्मच और ऐड कर दीजिए तो ये 120 ग्राम हो जाएगा। वैसे 200 ml के वन कप में मैदा आता है 110 ग्राम और 240 ml के कप में आता है मैदा 120 ग्राम। सेम इसी तरीके से मैं एक बार चीनी का भी मेजरमेंट आपको बताऊंगी। अब ये देखिए अगर मैं इसको पहले ऑन कर दूं और उसके बाद मैं इस पर कप डालूं तो ये कप का वेट ही 45 ग्राम है, इसमें अब आप चीनी डालेंगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो मेजरमेंट है ये बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है ये टेयर का, इसको हम दबाएँगे तो ये ज़ीरो पर आ जाता है। अगर आप गलती से ऐसा हो कि आपने कप पहले डाल दिया ऑन करने के बाद तो आप इसको दबा दें, वापस से जो आपका मेजरमेंट है ये ज़ीरो पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब मैं हाफ कप का यूज़ करूँगी, क्या हाफ कप सेम होता है या उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो पहले मैंने ब्लैक वाला हाफ कप लिया है और इसका जो ml है वो है 120 ml। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी, तो यहाँ चीनी थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, मैं इसको कम कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेजरमेंट बिल्कुल भी बिगड़े।
तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 104 ग्राम चीनी आई है यहाँ हाफ कप में। और अब हम चेक करेंगे इस रेड वाले कप में हमारी कितनी चीनी आती है। तो ये देखिए इसमें जो हमारी चीनी आई है 100 ml के कप में वो आई है 95 ग्राम। तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या निकला है, रिज़ल्ट निकला है ये कि जैसे हमारा ये कप है 240 ml और 200 ml, तो ml में तो इसका फ़र्क है 40 ml का, पर जब हम कुछ सामान इसमें इंग्रेडिएंट मेजर करते हैं ग्राम में तो ग्राम में इसका फ़र्क सिर्फ 10 ग्राम का है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 10 ग्राम कितना होगा अगर आप इसको स्पून से नापे तो। ये देखिए आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून, अगर आप 1 टेबल स्पून और ऐड कर देंगे आपके इस 1 कप में तो ये 10 ग्राम ऐड हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये कप हो या ये कप हो आप इसके हिसाब से 10 ग्राम ज़्यादा या 10 ग्राम कर करके अपना मेजरमेंट उस हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं मेजर करूँगी हमारा लिक्विड आइटम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूँगी ये 240 ml में। आप ड्राई इंग्रेडिएंट लें तो ड्राई इंग्रेडिएंट आपको हमेशा इसके लेवल में लेना है, यहाँ ऊपर इसके लेवल में। पर जब भी हम वेट इंग्रेडिएंट लेते हैं तो वेट इंग्रेडिएंट आप इसके लेवल में ऊपर तक नहीं ले सकते, वरना जब आप इसको उठाएंगे तो ये इधर उधर गिरता है। तो हमेशा थोड़ा सा कम लें। अब हमें देखना ये है कि 200 ml में हमारा ये पूरा पानी आ पाता है या नहीं। तो ये देखिए इसमें पूरा पानी नहीं आया है। इसमें भी फ़र्क कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून का। तो अगर आपने 240 ml का कप ख़रीद लिया है और आपका मेजरमेंट है ये 2 ml वाले कप का, अगर आपने जहाँ से कहीं से अगर आपने सीखा है या फिर आप YouTube से भी कोई वीडियो देख के बनाते हैं उसका भी अगर मेजरमेंट 200 ml के कप का है तो आप क्या करेंगे उसमें 1 टेबल स्पून हमेशा ऐड करेंगे, चाहे वो ड्राई इंग्रेडिएंट हो या फिर लिक्विड वेट इंग्रेडिएंट। और अगर आपने ये वाला कप ख़रीदा है 240 ml का और आपने जो रेसिपी आप बना रहे हैं वो है 240 ml की, तो आप उसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अगर ये कप ख़रीदा हो आपने और आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है तो हमेशा 1 टेबल स्पून कम करना है, और अगर आपने ये कप ख़रीदा है और आपका मेजरमेंट इस कप का है तो आपको 1 टेबल स्पून हमेशा ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, मैंने हमेशा पहले ड्राई इंग्रेडिएंट मेजर किया है और उसके बाद मैंने वेट इंग्रेडिएंट किया है, क्योंकि कई बार रेसिपी में पहले होता है कि आप वेट इंग्रेडिएंट एक बाउल में निकालते हैं उसको मिक्स करते हैं अच्छे से, तो अगर आप पहले वेट मेजर कर लेंगे तो जब ड्राई की बारी आएगी तो आपको चाहिए कि आपका ये जो बर्तन है वो सूखा होना चाहिए, वरना इसमें आटा या चीनी आप जो भी डालेंगे मेजर के लिए तो वो चिपक जाएगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें अगर आपको पहले वेट इंग्रेडिएंट मिलाना है तो ड्राई इंग्रेडिएंट आप पहले मेजर करके एक अलग बर्तन में निकाल लें और उसके बाद ही आप वेट इंग्रेडिएंट मेजर करें, वरना आपको फिर बर्तन धोना पड़ेगा, फिर उसको पोंछ के अच्छे से सुखाना पड़ेगा ताकि ड्राई इंग्रेडिएंट में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना आए। तो अब मैं आपको इन कप के अलग अलग मेजर बताती हूँ। जैसे ये 1 कप, ये तो 1 कप दोनों में सेम दिया है 1 कप। उसके बाद वेयर इज माई हाफ कप, ये है हाफ कप और ये है रेड वाले का हाफ कप, 1/4 कप और ये है रेड वाले का 1/4 कप।
ठीक है, ये चीज़ आपको दोनों कप में सेम मिलेगी, पर अलग जो मिला है वो है ये कि ब्लैक वाले में मिलता है हमें 2/3 कप, जो 1.5 का ये है बीच में, और रेड वाले में मिलता है हमें 1/2 और 1/4 के बीच में ये 1/3 कप। तो उसमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आपके पास मेजरमेंट में अगर 3/4 कप दिया है तो उसको आप कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ये देखिए 1/3 कप, इसको हम 3 बार मेजर करेंगे, इसको 1/4 कप है, 1/4 को हम 3 बार मेजर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। इसको मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्लास बनाया है, ये देखिए ये हमारा ग्लास है, इस ग्लास से मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। यहाँ पे जो ऊपर का ये लेवल है, यहाँ पे ये पूरा जो है ये हमारा 1 कप। अगर आपको अब इसका हाफ लेना है तो अब आप क्या करेंगे, तो इसका आप हाफ यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 1/2 कप। ये जो नीचे का ये इतना पार्ट है ये है हमारा 1/2 कप। फिर आता है 1/4 कप, तो 1/2 को भी जब हम बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1/4 कप। तो ये वाला जो पार्ट है ये है 1/4 कप, ये वाला पार्ट है हमारा ये है 1/2 कप, और यहाँ से यहाँ तक टोटल है हमारा 1 कप। तो जब अगर किसी रेसिपी में हो कि आपको 3/4 कप मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, 1 कप ये जो है इसका, इसको भी हम इस तरीके से 1/2 करेंगे, तो 1, 2 और ये 3, तो ये 1/4 को मैंने यह 3 बार काउंट किया है, तो ये हो गया है 3/4 कप। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा मेजरमेंट है 1/4 कप को 3 बार हम ऐड करेंगे तो वो हमारा 3/4 कप बन जाएगा। अब बारी आती है ये रेड वाले मेजरिंग कप में जो हमें दिया हुआ है मेजरमेंट 1/3 कप का, वो कैसे निकालें। तो ये आपका जो 1 कप है, इस 1 कप को हम आई एस्टिमेशन से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये 1 पार्ट हो गया 1/3, ये वाला हो गया 2/3, और ये इसका 1/3। तो ये आप देख सकते हैं जो ये 1/3 है 1/4 से थोड़ा ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, कि अगर आप 1/4 और 1/2 का ये इसका अगर 1/2 करेंगे तो आपका 1/3 हो जाएगा, तो ये मेजरमेंट गलत हो जाएगा। आपको जब 1/3 लेना है तो आप पूरे ग्लास का 3 पार्ट करें और फिर आप 1/3 लें। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2/3 कप, ये हमारा 1/2 कप से थोड़ा ही ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे बराबर इसके ले लिया है तो ये यहाँ पे 2/3 कप आ जाएगा। तो ये मेजरमेंट का तरीका होता है। तो ये वाला जो मेजरमेंट है हमारा 240 ml का, तो इसमें हमें मिलता है 2/3 कप, और रेड वाला मेजरमेंट जब आप लेंगे तो उसमें कप में मिलता है आपको 1/3 का कप। तो यहाँ मैंने आपको सारा मेजरमेंट क्लियर कर दिया है। अब मुझे पता नहीं आप मेरी वीडियो को देख के दोनों कप को लेके कंफ्यूज हुए हैं या फिर क्लियर हुए हैं। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से मैं आपको क्लियर कर सकूं, पर हो सकता है इतना ज़्यादा बोलने के चक्कर में मैं क्या पता खुद ही कन्फ्यूज़ होकर मैंने कुछ इधर उधर बोला। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको ये 240 ml का कप लेना है या फिर 200 ml का कप, और या फिर आप अगर पहले से कप खरीद चुके हैं तो फिर आपको उसको कैसे एडजस्ट करना है एक दूसरे के कप के मेजर में, वो भी आपको मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए मैं बेकिंग से जुड़े जो भी इंग्रेडिएंट है, मोल्ड्स हैं, या हमें क्या क्या यूज़ में आना पड़ता है स्टार्टिंग में, अगर हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बेकरी का, तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।